नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती यूट्यूब। मैं प्रदीप चंद्र पांडे। उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव की गहमा गहमी है, वहीं आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए गांव में रणनीति शुरू हो गई है। ऐसे में हिंसा, आरोप प्रत्यारोप, शिकायतों का सिलसिला जहां तेज हुआ है, वहीं कुछ जनपदों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के दुबौलिया विकास खंड में ग्राम प्रधान महिमा सिंह द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, वह एक उदाहरण बनकर सामने आए हैं। अगर हम जनपद को देखें तो जहां अनेक स्थानों पर ये शिकायतें मिल रही हैं कि बजट हड़प कर लिया गया, काम नहीं हुआ, ग्राम प्रधान और सचिव ने रिश्वत मांगी, वहीं महिला ग्राम प्रधान महिमा सिंह ने दुबौलिया विकास खंड के ग्राम पंचायत दुबौलिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके इस कार्यों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 5 लाख रुपए दिए गए हैं और यह धनराशि उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास में लगाया है। अब यह लोगों द्वारा कहा जाने लगा है कि अगर महिला ग्राम प्रधान सक्रिय है और प्रधानपति के दबाव में नहीं है तो ग्राम पंचायतों का हुलिया बदल सकता है, जैसा कि दुबौलिया के ग्राम पंचायत दुबौलिया में देखा जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में शासन द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत ग्राम प्रधान द्वारा अपने गांव के विकास के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। महिलाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार मिलने से गांव की सूरत बदल गई। इसी कड़ी में ग्राम प्रधान महिमा सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत दुबौलिया में विकास कार्यों का जो संचालन किया जा रहा है, उससे अधिकांश लोग खुश हैं। ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के लिए उनको मुख्यमंत्री पुरस्कार से जो 5 लाख रुपए मिले, उससे आरओ प्लांट विकसित किया गया है और 10 रुपए में लोगों को 20 लीटर पानी दिया जाता है। यह 10 रुपया इस नाते लिया जाता है जिससे आरओ प्लांट की मरम्मत और उसका विकास बना रहे और जल की फिजूल खर्ची भी ना हो। अब तक ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 400 शौचालयों का निर्माण कराते हुए गांव को खुले से शौच से मुक्त कराया गया है। ग्राम पंचायत को निर्मल बनाने के लिए, ग्राम पंचायत को ठोस एवं तरल कच्चे से मुक्त करने के लिए लगभग 97 सोख्ता गड्ढे, 66 घूर गड्ढे और 57 कचरा गड्ढों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में 57 सोलर लाइट लगवाई गई है, जिससे पूरा ग्राम पंचायत बिजली न रहने पर भी प्रकाशमान रहता है। महिमा सिंह ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो महिला ग्राम प्रधान विकास के क्षेत्र में उदाहरण बनकर सामने आ सकती हैं। ग्राम प्रधान महिमा सिंह के कार्यकाल में 103 आवास विहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने में सहायता की गई। ग्राम पंचायत में कुल 16 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें से 8 को रिवॉल्विंग फंड की सुविधा भी प्राप्त है। आय सृजन के अन्य स्रोतों का विकास करते हुए ग्राम पंचायत में 3 अल्प आय के बकरी पालकों के लिए बकरी सेट तथा 17 पशु पालकों के लिए पशु सेट बनवाया गया है। ग्राम प्रधान महिमा सिंह का कहना है कि सरकार से जो भी मानदेय मिलता है, उस पैसे को उनके द्वारा हर साल में ठंडक में गरीबों को मुफ्त में कंबल दिया जाता है। महिमा सिंह उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के दुबौलिया ग्राम पंचायत में एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं। अन्य ग्राम प्रधानों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए कि जो सवाल पूरे जनपद में उठ रहे हैं, तरह तरह से शिकायतों का अंबार है, एक वो उदाहरण बनकर उभरें कि ग्राम प्रधान अगर चाहें तो अपने ग्राम पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। धन्यवाद। के गांव में महिमा सिंह जी प्रधान हैं, जी जी, जो अच्छे कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कृत की गई हैं। जी जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया इस गांव में? जी हाँ, बहुत काम कराया गया हमारे प्रधान जी द्वारा। हमें अपने प्रधान पे बहुत गर्व है। हमारे प्रधान जी ने लगभग जो है सभी घरों को जो है लगभग 450 से 500 जो है
शौचालय बनवाए हैं 100, मैं पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन लगभग हर घर पे जो पात्र थे उनको आवाज दिलाया है। हर घर पे सौर ऊर्जा, आप हमारे गांव में कहीं भी जाके देख सकते हैं, हर घर पर जो है सौर ऊर्जा लगा है। लोगों को चन्नी भी बनी, हमारी भी चन्नी बनी है। बकरी सेट जो बकरियों के रहने के लिए पालन के लिए बहुत अच्छा सुविधा जो हमारे प्रधान जी ने हम लोग को दिया है, बकरी सेट बनवाया है। मुर्गी फार्म हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो मतलब रोजगार सृजन का बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ बकरी सेट का और फिर जो है मुर्गी फार्म का भी निर्माण किया गया है। लगातार जो है हमारे छोटे भाई जो है मतलब इसे आप हमारे गांव में आरओ प्लांट लगा देख सकते हैं, जो है वहां पर हमारे छोटे भाई जो है रोजगार भी पा गए हैं। लगभग 3 से 4 लोग हमारे गांव के रोजगार भी मिल गया है आरओ प्लांट लगने से। लगातार जो हमारे प्रधान जी, अब शायद जो है कोई प्रधान ना करता हो लेकिन हमारे प्रधान जी ने जो है मतलब लगातार जब कोरोना काल चल रहा था लगातार 28 से 30 दिन छावनी हाईवे पर लगातार लोगों को जो है भोजन जलपान वितरण किया था, जो है गाँव के लोगों को जो है मतलब फुल किट जो। और हमारे प्रधान जी की एक खासियत कि हर साल लोगों को कंबल बांटते हैं अपने निजी खर्चे से, जो है कोई ग्राम पंचायत खर्चा नहीं, अपने निजी खर्चे से जो है जो मान मुझे तो बताया था उन्होंने कि जो मैं मानदेय पाता हूँ उस खर्चे से मैं जो लोगों को अपना जो है मतलब हर साल जो है लगभग 200 से 300 400 कंबल बांटता हूँ जो मतलब निरक्षित होते हैं, जो मतलब असहाय होते हैं उनको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्षित है। कहाँ रहने वाले हैं? जी इसी गाँव के हम रहने वाले हैं, ग्राम सभा दुबोलिया के रहने वाले हैं हम। आरओ प्लांट आपने कैसे लगाया? जी मेरे अच्छे कार्यों के लिए स्वच्छता के रूपलस में ODF गांव को घोषित किया गया, उसी को में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख धनराशि की प्राप्ति हुई, उसी से आरओ प्लांट लगाने का विचार आया। तो ये पानी आप कहाँ कहाँ देती हैं? जी अपने ग्राम सभा और मार्केट में भी। तो ग्राम सभा वालों को मुफ्त पानी देती हैं या कुछ पैसा देती हैं? जी उसे रख रखाव के लिए 3-10 रुपये लिया जाता है गाँव में। और आगे क्या कर रही हैं आप? उस पैसे को जो आप आता है कहीं जो आए उसकी होती है उसको कहाँ जमा करती हैं? जी इसमें 3 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसे उन लोगों को किसी को 6 किसी को 5,000 वेतन दिया जाता है, उसके बाद भी जो पैसा बचता है ग्राम सभा के खाते में जमा कर दिया जाता है। और ग्राम सभा में महिलाओं के लिए आपने क्या कदम उठाया है? जी इसमें समूह का गठन किया गया है जिसमें महिलाओं अपना कार्य कर रही हैं। और क्या अच्छा कार्य आपने किया जिसे आपको मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए हैं? जी हमारे ग्राम सभा में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं, जैसे कि ग्राम सभा ODF घोषित किया, जैसे हर एक घर में लाइटिंग बनवाया गया है और हर एक घर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिलाया गया है और सड़क भी बनवाया गया है। क्या नाम है आपका? जी महिमा सिंह। बाबा जी ये बताइए आपके गांव में प्रधान जी आपकी महिमा सिंह जी हैं, हाँ। वो मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत की गई हैं, तो क्या खास बात है, क्या उन्होंने उनका काम अच्छा हुआ है गांव में? काम बहुत अच्छा किए हैं ग्राम सभा में हमारे, कोई कहने नहीं सकता कि मेरा कोई खराब काम हुआ है, बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको भी कुछ लाभ मिला इस गांव से? हाँ, क्या क्या मिला? कॉलोनी मिला है, लैट्रिन मिला है और सब कुछ मिला, अब हमारी पेंशन भी लग चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भारत है। तो अच्छा काम किए हैं इस हाँ। आपकी दोबारा फिर आ सकती हैं? दोबारा फिर आ सकते हैं, हम सब गांव में रहने वाले हैं, गांव को तो हमेशा सहयोग करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? राम मुझारत। बकरी सेट आपको किसने बनवा के दिया? महिमा प्रधान सिंह। कितनी बकरियां हैं आपके पास? 11। उससे आपकी कितनी आय, साल की आय होगी, आमदनी कितनी होती है आपकी? अभी नहीं तो जल्दी से पाले हैं, 1 साल हुआ है पालने। 1 साल